नमस्कार दोस्तों, वापस से स्वागत है आपका हमारे चैनल बंक स्ट्रीट में। मैं हूं सर वैसा, डिस्कस करेंगे आईएस बाबा के डेली करंट अफेयर्स 10 अक्टूबर 2018 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आज जानने को मिलेंगी, कुछ कुछ बहुत मतलब दिक्कत देने वाली चीज़ें यहाँ पे, ऐसे लगेगी कि बहुत ज़्यादा परेशानी में हम लोग, ऐसे भी चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो देखते हैं क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले बात यहाँ पे है कि आइए, मतलब सबसे पहला टॉपिक ये है कि चाइना जो है वो 48 आर्म ड्रोन, ध्यान रखिएगा 48 मतलब 50 के आसपास आर्म ड्रोन जो है, आर्म मतलब इसमें बंदूक उन्दूक गोली रहता है वो सब, ठीक है। तो ऐसे जो पाकिस्तान को देने वाला है ये बात है, ठीक है। मेरा ये मानना है, पर्सनल मेरा ये मानना है कि अब इस कंडीशन में आज का ऐसा समय हो गया कि पाकिस्तान को पूरी तरह से चाइना जो खरीद के रख लिया, ठीक है। पाकिस्तान के में चाइना इतना इन्वेस्ट कर चुका है, इतना इन्वेस्ट कर चुका है कि अगर पाकिस्तान अपना एक एक मिट्टी एक एक जमीन बेच देना तो भी चाइना को वो उतना पैसा नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो इस तरह का कंडीशन कुछ अभी पाकिस्तान के साथ जो है वो हो गई है। और अब ऐसे कंडीशन में और एक फेवर जो पाकिस्तान लेने जा रहा है, मतलब बेसिकली ये मान के चलिए कि अभी भारत जो है वो पूरी तरह से चाइना से घिरा हुआ है, ठीक है। पाकिस्तान को तो भूल जाइए, पाकिस्तान तो मेरा लगता है उसका अस्तित्व ही नहीं है, वो चाइना ही बन चुका है। तो बेसिकली पूरी तरह से चाइना से घिरा हुआ है, ठीक है। और कल के दिन अगर किसी तरह का यहाँ पे खराब सिचुएशन उठती है तो भारत को इससे बहुत बड़ा दिक्कत होने वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे नाम यहाँ पे क्या दिया, मतलब पाकिस्तान जो है ऑल वेदर एली, मतलब हर मौसम में एक दोनों दूसरे का साथ निभाएंगे, इस तरह का कुछ चीज है पाकिस्तान और चाइना के बीच में। तो इस ड्रोन का नाम है विंग लूंग 2। एक बार इसका चेहरा देख लेते हैं, ड्रोन किस तरह का देखने में, ठीक है। तो इसको पेट्रोकैटल 2 भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे देख लीजिए, हाँ ये जो है ये मेल सीएयूवी है, यूसीएवी, ठीक है। तो अनमैन्ड जो एयरक्राफ्ट होता है, सॉरी हाँ, तो वो है ये। और इसके अलावा इसका जो मैन्युफैक्चरर है ये है चिंदू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप, ये ऑफकोर्स चाइना में। फर्स्ट फ्लाइट जो अपना 2009 में ली थी और ये पब्लिक सॉरी सर्विस प्रोडक्शन में इसका काम किया जाता है, इसका ये स्टेटस है, ठीक है। इसके कौन कौन यूजर्स है, तो जो पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स वो यूज़ करता है, सऊदी जो रॉयल सऊदी एयरफोर्स है वो यूज़ करता है, इजिप्शियन एयरफोर्स यूज़ करता है, और यूएई का जो एयरफोर्स है वो यूज़ करता है। तो अब यहाँ पे एक और नाम अब जुड़ जाएगा, जो पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है वो भी इसको यूज़ करेगी, ठीक है। बेसिकली अब यहाँ पे और कुछ देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग को टेंशन लेने की जरूरत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भारत के पास पहले से कुछ एडवांस्ड, इससे भी ज्यादा एडवांस्ड जो ड्रोन है वो भारत के पास है, दूसरी कंट्रीज यहाँ पे उनको गिफ्ट कर चुके हैं, भारत को बहुत पहले से गिफ्ट कर चुके हैं। जैसे कि ये जो है वो अमेरिकन MQ-9 रिपर ड्रोन जो कि है उससे बहुत मिलता है विंगलूंग 2, ठीक है। तो अमेरिकन का जो MQ-9 रिपर ड्रोन बहुत पहले बना हुआ था, बहुत ज्यादा एडवांस्ड है जो विंगलूंग 2 है उससे, ठीक है। चाइना जो है वो सबसे बड़ा वेपन सप्लायर है पाकिस्तान आर्मी को, ऑफकोर्स पाकिस्तान की पूरी जो आर्मी है वो चाइना ही चलाता है। यहाँ पे देखिए देखिए ये जो कंट्री है ये मिल करके जीएफ थंडर का जो मैन्युफैक्चरर है उसमें ये काम की थी, जो कि एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ठीक है। और यहाँ पे जो ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन है वो भारत को 22 सी गार्जन ड्रोन दे रहा है। सी गार्जन ड्रोन मतलब यही एमक्यू अमेरिकन MQ-9 रिपर, इसको हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो ये जो है ये MQ-9 रिपर प्रेडेटर भी इसको कहते हैं, तो वो ये शिप है, ठीक है। आप एक बार इसको देख लीजिए, उसी की तरह देखने में लगता है ये, ठीक है। ये भी एक अनमैंड एयरक्राफ्ट व्हीकल है, ठीक है, अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एरियल व्हीकल है ये। और इसका जो ओरिजिन है वो यूएस, ऑफकोर्स ये यूएस है। यहाँ पे ये है कि ये जो मैन्युफैक्चरर इसके इसके हैं जनरल अटोमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स, ये भी यूएस की कंपनी है। इसके अलावा इसने जो अपना फर्स्ट फ्लाइट है वो 2 फरवरी 2001 में ही लिया था। इसका जो इंट्रोडक्शन है वो 1 मई 2007 में किया गया। और इसका जो स्टेटस है ये अभी इन सर्विस, कौन कौन इसको यूज करता है, तो यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स, यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन, रॉयल एयरफोर्स और इटालियन एयरफोर्स इसको यूज करता है। अभी तक 2014 में ये 163 बिल्ट हो चुके हैं। इसका प्रोग्राम कॉस्ट मतलब टोटल प्रोग्राम इतना बनाने का जो कॉस्ट है वो उसका $11.8 बिलियन आया था, जबकि एक सिंगल एयरक्राफ्ट का कॉस्ट जो है वो 16.9 मिलियन जो आपका डॉलर्स होता है वो है 16.9 मिलियन, मतलब $169 लाख। तो $169 लाख एक यूनिट का कॉस्ट यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। इसको कौन डेवलप किया, तो ये हुआ जनरल एटॉमिक्स MQ-1 प्रेडेटर के द्वारा बनाया गया इसको, और डेवलपमेंट इनटू किस में डेवलप किया गया, तो एटॉमिक्स जनरल एटॉमिक्स एवेंजर्स में इसको डेवलप किया गया, ठीक है। तो इसके बाद भी एक और चीज़ है, ठीक है। तो ये भारत की कुछ अच्छी चीज़ है। इसके अलावा 10 एडवांस्ड हीरोन ड्रोन जो है वो भारत को इसराइल के द्वारा मिली गई है। तो हम लोग ये भी देखेंगे कितना खूबसूरत लगता है ये देखने में, ठीक है। तो ये जो है एक सेकेंड, हाँ ये जो ड्रोन है ये है हीरोन ड्रोन, ठीक है। ये हम लोग को इसराइल गिफ्ट किया है, ये काफी ज्यादा एडवांस्ड है, ठीक है। ये अपना पहला फ्लाइट जो MQ-9 रिपर उससे भी पहले लिया था 1994 में ही, स्टेटस में भी एक्टिव है, ठीक है। इसको इसराइल डिफेंस फोर्स, इंडियन एयरफोर्स, ब्राजीलियन फेडरल पुलिस और टर्किश एयरफोर्स जो यूज करती है। इसका यूनिट कॉस्ट है वो 10 मिलियन के आसपास का है। और इसका वेरियंट्स कुछ कुछ है, जैसे इदास, हरफांग, आई इतान और ककडावर नाम का एक जो है वो इसको इसका वेरियंट है। उतना ज्यादा नहीं जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये कुछ डिटेल्स है, ये इसलिए मैंने आपको डिस्कस कर दिया क्योंकि आप लोग को आइडिया है कि मतलब अगर चाइना के पास इस तरह का कुछ है तो भारत के पास भी है, उतना टेंशन लेने की यहाँ पे चीज़ें नहीं है। यहाँ पे और आगे देखेंगे कि इंडिया इटली टाइज जो है वो थोड़ा बढ़ के यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे देखिए जो प्राइम मिनिस्टर है इटली के, प्रोफेसर गोसिप्पी कॉन्टे, ठीक है, तो ये विजिट करने वाले, ठीक है, आने वाले भारत में। अब एक बार उनका चेहरा देख लेते कैसे दिखने में लगते, काफ़ी मतलब अच्छे लगते हैं देखने में, ठीक है। ये जो है गोसिप्पी कॉन्टे,
तो ये है इटली के प्राइम मिनिस्टर, और यहाँ पे देख लीजिए ये एक इटालियन जूरिस्ट है, पॉलिटिकल सर्विंग अभी 58 और करंट प्राइम मिनिस्टर इटली के 1 जून 2018 से ये अपना सीट संभाले हैं 1 जून में, ठीक है। अभी ये महीना चल रहा है अक्टूबर का, तो अब ये भारत आने वाले, मतलब देखिए अपने कार्यकाल में ये स्टार्टिंग में ही चाहते हैं कि ये भारत का जो विजिट है वो करें, क्योंकि भारत देखिए अभी वर्ल्ड पावर है, ठीक है, बहुत बड़ा कंट्री बन चुका है भारत, पहले जैसा कंडीशन था, ठीक है, अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है भारत, बहुत कंट्रीज चाहती है कि वो भारत से आगे जुड़े, क्योंकि भारत जो है वो पहले जिस तरह का काम करता था, भारत देखिए पहला वो रशिया के अंडर था, इस तरह समझ समझ लीजिए कि वो रशिया के अंदर ही था, रशिया से कभी वो बाहर नहीं आया, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी आए यहाँ पे बहुत लोग ये बोलना था कि डिसीजन काफी खराब है, लेकिन जिस तरह का रिजल्ट देखने को मिल रहा है मुझे नहीं लगता कि डिसीजन काफी खराब था, क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसे ही हम लोग रशिया का साथ छोड़े यहाँ पे क्या, हम लोग जो अमेरिका है उसके साथ कुछ डील साइन किए, इसराइल के साथ डील साइन किए, ये तीनों एक अलग अलग बोल सकते हैं पार्ट से ट्रायंगल के, तो लोग अलग अलग डील्स यहाँ पे साइन करते हैं, और अच्छा मतलब रेस्पॉन्सेस देखने को मिलता है हर कंट्री की तरफ से, तो काफी अच्छी बात होती है यहाँ पे। देखिए ये जो बॉर्न है 8 अगस्त 1964 में, उतना ध्यान रखने चीज नहीं, 54 एज हो चुके हैं, नेशनलिटी ये इटालियन ही है, रेसिडेंस ये पलानजो चिंगी रोम इटली, एजुकेशन जो स्पेंजिया और यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, जरूरत नहीं है। इसके अलावा ये जो ऑफिस अभी प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है वो संभाल रहे, तो इतना तो हो गया, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये जो टेक्नोलॉजी समिट होने वाला है ये कौन यहाँ पे उसको स्टार्ट करने वाला है, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीएसटी जो है वो डीएसटी सीआईआई इंडियन इटली टेक्नोलॉजी समिट जो वो यहाँ पे स्टार्ट, ये आएगा एक तरह का मतलब समिट यहाँ पे होने वाला है, 24th एडिशन होगा इसका ये, और ये एडिशन है ये 7 एरियाज में फोकस करेगा, ठीक है। क्लीन टेक मतलब साफ सुथरा जो टेक्नोलॉजी उसको, रिन्यूएबल मतलब कौन चीज वापस यूज कर सकता है, आईसीटी मतलब बेसिकली यहाँ पे इंडस्ट्रीज के बारे में बात की जा रही है कि इंडस्ट्रीज में क्या क्या टेक्नोलॉजीज होगी, इसके अलावा हेल्थ केयर, एरोस्पेस, एजुकेशन और कल्चरल हेरिटेज के ऊपर यहाँ पे बात की जाएगी, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होगा कि मतलब हम लोग को जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है, ठीक है, हम लोग जैसे दो कंट्रीज के बीच टेक्नोलॉजी किस तरह से ट्रांसफर होगा, जॉइंट वेंचर दोनों कंट्री साथ में मिल करके किस तरह से काम करते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं जॉइंट वेंचर का, ब्रह्मोस मिसाइल जो बनता है, ब्रह्मोस भारत में हम लोग बहुत सुना होगा, तो क्या है वो एक रशिया का एक कंपनी और भारत की कंपनी मिल करके यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल को जो है वो डिजाइन करती है, तो उस तरह का टोटल यहाँ पे सिचुएशन होता है, इसको जॉइंट वेंचर हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या बोला गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑफकोर्स यहाँ पे जो मार्केट का एक्सेस है, यहाँ की मार्केट वहाँ एक्सेस की जा सकती है, वहाँ की मार्केट यहाँ एक्सेस की जाती है कह सकती है, ठीक है, तो वो सबके ऊपर ये जो समिट है इसका ध्यान रहेगा। यहाँ पे ये जो है ये जो विजिट है बेसिकली ये हम लोग 70th एनिवर्सरी यहाँ पे जो हम लोग का इंडिया इटली का जो इंडिया इटली जो है वो साथ में यहाँ पे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाया, साथ में मिलकर के आया, साथ में रहा, ठीक है, हम लोग यहाँ पे रिलेशन में आए, उसका 70 साल हो चुका है आज, तो उसको सेलिब्रेट करने के मौके में भी बोला जा सकता है कि इनको यहाँ ये मतलब यहाँ पे आने वाले। इसके अलावा 17वां सीएचजी मीटिंग यहाँ पे होने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ हेड्स जो होता है सीएचजी सॉरी काउंसिल हेड्स ऑफ गवर्नर जो होता है, काउंसिल हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होता है, तो वो मीटिंग होने वाला है, 17th मीटिंग होने वाला है ये, और ये किसका होता है, देखिए काउंसिल हेड्स ऑफ गवर्नमेंट लग गया, गवर्नमेंट के काउंसिल हेड यहाँ पे मीट करते हैं, किसके अंदर के गवर्नमेंट, यहाँ पे तो एससीओ की बात की है, ठीक है, तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है बेसिकली, और ये दुशानबे में होने वाला तजिकिस्तान में, तो पहले जल्दी जल्दी देख लेते हैं दोनों चीज क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे पहले तो एससीओ को देखेंगे थोड़ा सा हम लोग, तो ये है एससीओ, इसका आप लोग मैप देख लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे ये कौन कौन सी कंट्रीज है, तो यहाँ पे देखिए कुछ मैप में लोग समझ में आ जाएगा, जो ग्रीन है वो सब मेंबर कंट्रीज है, ठीक है, तो यहाँ बेसिकली ग्रीन जो सब मेंबर कंट्रीज है, इसके अलावा ऑब्जर्वर कंट्री भी है, तो मंगोलिया जो है बीच में यहाँ पे वो ऑब्जर्वर कंट्री है, और यहाँ पे देखिएगा डायलॉग पार्टनर्स भी कुछ होते हैं जो कि डायलॉग यहाँ पे शेयर करते हैं आस पास में एक दूसरे का, तो ये कुछ जो यहाँ पे वॉयलेट कलर की है वो डायलॉग पार्टनर्स है, इसके अलावा ऑब्जर्वर एप्लीकेंट्स हैं जो कि ऑब्जर्व करना चाहते हैं, वो ऑब्जर्वर कंट्री बनना चाहते हैं, ब्लू कलर की जो डार्क ब्लू कलर है वो बनना चाहते हैं, तो लोग का एप्लीकेशन ये लोग दे चुके हैं, तो ये कुछ कंट्री जो कि ऑब्जर्वर एप्लीकेशन दे चुके हैं। इसके अलावा डिस्प्यूटेड टेरिटरीज मतलब ऐसी जगह जो कि मतलब किसी का होता नहीं है, बेसिकली ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वैसे तो यहाँ भी एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन वो कभी मार्क नहीं किया जाता, इसके अलावा यहाँ पे भी एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अब लोग देखिए यहाँ पे भारत जो है उसका एक साइड जो छोटा लग रहा होगा, यहाँ पे कुछ इस तरह का बनावट होता है भारत का, लेकिन छोटा है क्योंकि वो चाइना का टोटल मतलब वो ऑक्यूपाई किया हुआ एरिया और यहाँ पे उसको चाइना का ही दिखाया जा रहा है, तो चलिए कुछ बोलना नहीं है इसके ऊपर, क्या बोल सकते हैं इसके ऊपर, एब्रीविएशन इसको एससीओ फॉर्मेशन ही कब होता था, 15 जून 2001, ये जरूरत है, ठीक है, ऑफ कोर्स यहां पे जरूरी है, ये टाइप क्या है, एक मल्टी म्यूचुअल सिक्योरिटी सॉरी सिक्योरिटी पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, हेडक्वार्टर्स का बीजिंग चाइना में, इसके 8 मेंबर स्टेट है, अभी फिर से देख लेते हैं एक बार कौन कौन 8 मेंबर स्टेट है, तो यहाँ पे चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान है, उसके बाद उज्बेकिस्तान है, ठीक है, इसके अलावा 4 ऑब्जर्वर स्टेट है जो कि ऑब्जर्व करते हैं सिर्फ यहाँ पे, तो कौन कौन, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और
मंगोलिया, 6 डायलॉग पार्टनर्स होकर भी डायलॉग शेयर करने की कोशिश करते हैं, तो वो है आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, तुर्की। इसके अलावा 4 गेस्ट अटेंडेंस जो कि आना चाहते हैं यहाँ पे, तो 4 कौन है, एशियन कंट्रीज जो पूरा एशियन ग्रुप होता है वो, इसके अलावा CIS, तुर्कमेनिस्तान और यूनाइटेड नेशन जो, वो 4 गेस्ट अटेंडेंस मतलब यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे अपने जो आते हैं कोशिश यहाँ पे देते हैं, अपने यहाँ पे योगदान देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऑफिशियल जो लैंग्वेजेस यूज की जाती है वो चाइनीज और रशियन है, ध्यान रखिएगा इंग्लिश यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंग्लैंड की कंट्री नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे 2 मेजर कंट्रीज की जो लैंग्वेजेस है उसी को यहाँ पे मेजर लैंग्वेज रखा गया, चाइनीज और रशियन, लोगों को कुछ नहीं समझ में, अगर आप इसका अगर वीडियो देखने की कोशिश किएगा तो। इसके अलावा इसकी जनरल सेक्रेटरी है वो राशिद अलीमोव है, डिप्यूटी सेक्रेटरीज का यहाँ पे नाम दिया उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे वेबसाइट है, अगर आपको कभी मन करें यहाँ पे खोल के देखने का तो आप लोग यहाँ पे खोल के इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ ये जो होने वाला है कहाँ पे, दुशनाबे में होने वाला है, ठीक है, दुशानबे में होने वाला है, तजिकिस्तान का ये एरिया पड़ता है, तो उसको थोड़ा देखेंगे कहाँ पे पड़ता है। देखिए ये दुशानबे है, तजिकिस्तान में है ये, और एक बार देख लेते हैं भारत के कंटेक्स्ट में कहाँ पे पड़ता है, ठीक है। तो एक सेकंड थोड़ा सा, ये आप लोगों को मिल गया तजिकिस्तान, ठीक है, तजिकिस्तान का कौन सा पार्ट में पड़ रहा है, इसके बगल में आता है अफगानिस्तान है, ठीक है, और इसके नीचे है पाकिस्तान। आप लोगों को जम्मू कश्मीर दिखाई दे रहा होगा, मतलब हम लोग का जो एरिया है हम लोग अपने एरिया में घुस चुके हैं, ठीक है, ये पाकिस्तान, ये न्यू दिल्ली, तो आप लोग देख सकते हैं कहाँ पे होने वाला है, हम लोग का भारत कहाँ पे पड़ रहा है, ठीक है। ये टोटल आइडिया था, अब इसके ये जो है हम लोग इसको पूरा डिस्कस कर, यहाँ पे देख लेते क्या क्या दिया हुआ है। तो SCO CG का जो मीटिंग है यहाँ पे बेसिक मुद्दा ये है कि भारत का जो यहाँ पे देखिएगा जो मेंबर स्टेट है, ठीक है, यहाँ पे कौन कौन है, पाकिस्तान है, चाइना है, रशिया, भारत का अभी करंट सिचुएशन में रशिया को छोड़ करके कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पे सही तरीके से यहाँ पे बनता हो, ठीक है। तो यहाँ पे SCO एक ऐसा माध्यम बन चुका है जबकि भारत यहाँ पे आ करके हर कंट्री के साथ यहाँ पे मिल करके अपना जो विचार है वो यहाँ पे स्प्रेड कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा यहाँ पे जो स्टेज है वो भारत को मिलता है, ठीक है। लास्ट जो मीटिंग है वो हुआ था 2017 में यहाँ पे सोची रशिया में हुआ था, तब भारत यहाँ पे लास्ट मीटिंग में यहाँ पे जाकर फुल मेंबर स्टेट जो है वो बना था। लीडर जो लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे किस तरह से SCO को और डेवलप किया जा सकता है, ठीक है, और इन डेप्थ में देखा जाएगा किस तरह से इंटरनेशनल और रीजनल इश्यूज क्या क्या है उसके ऊपर यहाँ पे बात की जाएगी, तो ये काफी अच्छी चीज है। इसके अलावा देखेंगे नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो है वो एक तुरंत मतलब रिसेंटली क्या होने वाला है कि एक मास मूवमेंट बनने वाला भारत में। मास मूवमेंट कैसे बनने वाला है, तो नीति आयोग के एक मेंबर है डॉक्टर विनोद कुमार पॉल, वो ये एक्सप्रेस किए हैं कि हम लोग, उनका ये होप है, ठीक है, उनका ये होप है, वो लोग सोचते हैं, वो उनका ये मानना है कि जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है वो एक बहुत जल्दी ही एक मास मूवमेंट बन जाएगा पूरी कंट्रीज में। सितंबर 2018 में क्या हुआ कि राष्ट्रीय पोषण माह जिसको कि पोषण अभियान के अंदर उसको सेलिब्रेट किया गया। पोषण अभियान जो है भारत का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, बहुत सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि हम लोग आप लोग आयुष सुना होगा वो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, तो उसी तरह का ये पोषण अभियान भी एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। यहाँ पे न्यूट्रिशनल आउटकम्स किसके लिए, चिल्ड्रन, एडोलसेंट, प्रेगनेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स, लिवेजिंग मतलब सॉरी लैक्टेटिंग वुमेन्स, तो वुमेन्स ये लोग के लिए यहाँ पे जो है इनको हेल्प करें बेसिकली, ये ग्रुप के लिए है, और ये किस हिसाब से ये हेल्प दिया जाएगा, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे टेक्नोलॉजी को ज्यादा यहाँ पे काम में लाया जाएगा और किसी तरह के टारगेट अप्रोच लेके चला जाएगा कि हम लोग को ये ग्रुप ऑफ पीपल जो है उनको हेल्प करना है यहाँ पे, तो वो जो अप्रोच है यहाँ पे लेके चला जाएगा। हम लोग को अब जानना है कि जो पोषण अभियान है वो 8 मार्च 2018 में प्राइम मिनिस्टर लॉन्च किए। यहाँ पे अगर हम लोग देखिएगा कि जो अभियान है वो किस किस चीज के ऊपर काम करता है, तो स्टंटिंग मतलब बेसिकली शॉर्ट हाइट जो होता है, तो स्टंटिंग को कम करने में, मतलब बेसिकली यहाँ पे हाइट बढ़ाने की बात की जा रही है, तो हाइट बढ़ाने में, फिर स्टंटिंग कम करने में, अंडर न्यूट्रिशन हटाने में, एनीमिया जो है जो कि बेसिकली खून की कमी जिसको हम लोग बोलते हैं यंग चिल्ड्रन में, वुमेन में, एडोलसेंट गर्ल में बहुत ज्यादा होता है, तो वो सब चीज को कम करने में यहाँ पे हेल्प करता है। ये जो बर्थ वेट है उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे एनुअल बताया गया, तो 2% यहाँ पे सॉरी लो बर्थ वेट मतलब वेट जो है उसको यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, 2% फिर अगला साल 2%, फिर अगला साल 3%, फिर अगला साल 2%, इस तरह से हम लोग यहाँ पे बढ़ाने की उसको कोशिश करेंगे। यहाँ पे टारगेट ये मिशन का है कि हम लोग स्टंटिंग को यहाँ पे कम कर देंगे, जो 0 से लेकर 6 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें स्टंटिंग कम करेंगे, 38.4% अभी यहाँ पे स्टंटिंग देखने को मिलता है, तो उसको 25% कम कर दिया जाएगा 2022 तक, तो ये कोशिश यहाँ पे रहेगी, ठीक है। मेंस फोकस में डिस्कस करेंगे, देखिए बहुत बड़ा चीज यहाँ पे दिया रहता है मेंस फोकस में, तो थोड़ा विनम्रता के साथ सुनिएगा यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अमेंडमेंट्स देखिएगा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के ऊपर की गई है, ठीक है। यहाँ पे पावर और पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा प्ले में आ गया, किस तरह से पावर पॉलिटिक्स प्ले में आया देखने को मिलेगा आपको इस पूरे आर्टिकल में, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बहुत ज्यादा पावर अपना हाथ में ले लिया इस अमेंडमेंट के साथ, ठीक है, और यहाँ पे जो रीजनल गवर्नमेंट है उसको बहुत कम पावर मिला है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे अब प्राइवेट स्टेक होल्डर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो हम लोग उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सेट ऑफ चेंज अभी प्रपोज किया, अभी आया नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये प्रपोज है बस, और यहाँ पे क्या है कि ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 को थोड़ा चेंज करेगा, यहाँ पे अमेंडमेंट जो है वो यहाँ पे
मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन जो मतलब मार्केट को चेंज करने में यहाँ पे काम करेगी, मार्केट में हम लोग कुछ यहाँ पे चेंजेस ला के दिखाएंगे। इसके अलावा जो अमेंडमेंट है वो बहुत सारे अलग अलग प्रोविजन यहाँ पे करेगा। यहाँ पे क्या किया जाएगा कि एक्ट को अप टू डेट बनाया जाएगा कि बहुत पुराना एक्ट है उसको थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। इसके अलावा यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का जो सेक्टर है उसको घुसाया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कि 50% जो भारत का जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर जो है वो 2030 तक एटलीस्ट हम लोग को पूरा मिल जाए। यहाँ पे पूरा 50% जो वो इलेक्ट्रिसिटी के मतलब जो रिन्यूएबल सेक्टर है जैसे कि सनलाइट हो गया या फिर हम लोग का जो रिन्यू हो जाता सेक्टर जैसे कि हम लोग यहाँ पे टाइडल एनर्जी हो गया फिर विंड एनर्जी हो गया, तो वो सबको यूज करके हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कोशिश करेंगे। अभी मैं प्रपोज अमेंडमेंट्स क्या कहते हैं, हम देखिए कंपटीशन एंड चॉइस। यहाँ पे देखिए बात क्या आएगी कि हम लोग यहाँ पे फाइनल कंज्यूमर का जो यहाँ पे चॉइस है वो अंतिम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या किया जाएगा कि यहाँ पे सिंगल पब्लिक यूटिलिटी होगा, सिंगल एक ऐसा पब्लिक यहाँ पे प्रोग्राम होगा, सॉरी पब्लिक कंपनी होगा जो कि हर एक घर में क्या करेगा, बिजली का जो तार है वो पहुंचाएगा। ठीक है, एक कंपनी तार पहुंचाएगा लेकिन उसमें जो बिजली पहुंचाने वाले वैसे बहुत कंपनी रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो चूज कर सकते हैं कि कौन सी बिजली कंपनी उनको जो बिजली है वो प्रोवाइड करेगी। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लाइसेंस बनेंगे, पब्लिक भी प्राइवेट भी, तो हर एक जो भी प्रोड्यूसर होंगे उसको लाइसेंस दिया जाएगा, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर होंगे उनको लाइसेंस दिया जाएगा, और उसके बाद कंज्यूमर चूज करेंगे कि उनको कौन सही लग रहा है कौन गलत लग रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी होगी, देखिए अभी रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुआ था उसका नाम था बत्ती कुल मीटर चालू, उसमें आप देखिएगा कि कैसे कॉमन पीपल जो होता है उनको कितने से सफर करना पड़ता है बेसिकली इन तरह की ऐसी कंपनीज जिसका जिनका ये मोनोपोली चलता है। बेसिकली अगर समझ लीजिए यहाँ पे आप लोगों को बिजली डिस्ट्रीब्यूट करता है आप लोग के घर के आसपास, तो आप लोगों को पता होगा कि एक ही आध कंपनी होगी, बहुत कमी ऐसा जगह होता है जहाँ पे दो तीन कंपनीज यहाँ पे प्रोवाइड करती है, एक ही आध कंपनी होगी जो कि बिजली वहाँ पे प्रोवाइड करती है। ठीक है, देखिए बिजली प्रोडक्शन अलग होता है, ठीक है, बिजली प्रोड्यूस करती है जो बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे जो पावर प्लांट्स होते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं, तो वो सब यहाँ पे बिजली प्रोड्यूस करती है, लेकिन वो जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। ठीक है, उसको डिस्कॉम बोलते हैं हम लोग, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो लोग यहाँ पे बहुत मोनोपोली चलता है, क्योंकि वो लोग मतलब ऐसा रहता है कि वो नहीं तो वो देंगे नहीं तो कोई नहीं देगा आप लोगों को, तो बेसिकली आप लोग उन्हीं से लेना पड़ेगा, तो वो एक तरह का यहाँ पे मोनोपोली चलता है। तो उसको हटाने के लिए यहाँ पे क्या किया गया, जो प्राइवेट सेक्टर है उसके यहाँ पे घुसाने की कोशिश की गई, कि प्राइवेट सेक्टर के आने के बाद देखिएगा बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो इनफॉर्मेट हो जाती है, एक अच्छे तरह से काम करने लग जाती है। पब्लिक सेक्टर में काफी आप लोगों को दिक्कत देखने को मिलती होगी बहुत बार, तो वो सब चीज़ यहाँ पे होगा। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे ये बोला कि इंटेंट ये है कि हम लोग यहाँ पे डिसिप्लिन लाने की कोशिश करेंगे ताकि बिजली का जो बिल है वो कम आए। यहाँ पे जो अर्लियर रिफॉर्म जो है वो प्रपोज किया है कि मैंडेटरी है। ठीक है, जो पहले जो रिफॉर्म्स आया था उसमें भी ये बात कही गई थी, लेकिन उसमें क्या था कि टाइम बाउंड था इम्प्लीमेंटेशन, कि आप लोग को इतने समय में ये खत्म कर देना, और उस वजह से क्या हुआ कि वो जो ब्लास्ट जो प्रपोजल आया था वो सही तरीके से काम नहीं किया। लेकिन अब देखिएगा कि अब सरकार ये किए कि वो क्या किए कि हम लोग आप लोगों को समय दे रहे हैं, आप लोग अच्छे तरीके से समय ले करके यहाँ पे काम जो वो कंप्लीट किया। कंसर्न ये हो रहा है कि इंडिया जो है अब एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर बना सकता है भारत में, देखिए ऐसा कुछ कंपनीज आ सकती है प्राइवेट जो होती है जो कि चार्ज करेगी, ऑफकोर्स आपसे ज्यादा मनी चार्ज करेगी, लेकिन उसके बदले आप लोग को बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ यहाँ पे बोलिएगा बहुत अच्छा क्वालिटी, मतलब दिन भर आपका बिजली रहेगा, इस तरह का आपको बिजली जो प्रोवाइड कर सकेगी। ठीक है, तो हमें बेसिकली ये बोला जा रहा है कि अब वेल्दियर क्लास और जो पुअर क्लास होता है उसमें बिजली के ऊपर भी बटाव यहाँ पे देखने को मिलेगा, कि बिजली के ऊपर भी वो दोनों क्लास जो है वो बढ़ गए। ठीक है, तो देखिए ये एक तरह का यहाँ पे एक फंडा है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा कि जो प्राइवेट सप्लायर्स है उनके लिए ये चीज अच्छा हो जाएगा कि वो लोग क्या करेंगे, अच्छे अच्छे जो घर होंगे या फिर अच्छे अच्छे जो भी घर होंगे वहाँ उनको चूज करेंगे कि हाँ ये घर में हम प्रोवाइड करेंगे, ये घर में प्रोवाइड करेंगे, ये घर में प्रोवाइड करेंगे, वहाँ जाकर अपना प्रचार करेंगे, कुछ कुछ डिस्काउंट देंगे, ऑफर्स बोलेंगे 24 घंटा आपके पास बिजली रहेगी। तो इसमें क्या होगा कि जो घर वाले भी हैं जो अमीर घर वाले वो लोग ये ले लेंगे। ठीक है, बच क्या जाएगा पब्लिक जो कि गवर्नमेंट देती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास क्या उपाय बच जाएगा कि जो भी गरीब घर है जो कि बेसिकली उतना ज्यादा अमाउंट नहीं दे पा रहे तो वहाँ पर जाकर बिजली प्रोवाइड करें। ठीक है, तो जो अभी जो जो पब्लिक सेक्टर है मतलब जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाई हुई जो सेक्टर्स होती है, सॉरी जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई हुई यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है, तो वो लोग ऐसे अभी सिचुएशन लोगों का खराब है और सिचुएशन खराब हो जाएगी, पुअर हाउसेज में ऑफकोर्स यहाँ पे बिजली जो है उनका बिल ज्यादा वो नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा क्रॉस सब्सिडी की बात की गई है, तो यहाँ पे जो सब्सिडी है बेसिकली यहाँ पे टोटल फंडा ये कि सब्सिडी जो है उसको थोड़ा यहाँ पे चेंज करने की बात की गई। देखिए पहले सब्सिडी जो किसको दी जाती थी, यहाँ पे सब्सिडी दी जाती थी जो यहाँ पे फार्मर्स होते हैं या फिर जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं यहाँ पे बहुत जिनका बिजली का काम होता है तो लोग यहाँ पे सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन अब उसको चेंज करवा करके यहाँ पे क्या किया गया कि उसमें कैप लगा दी गई है। पहले तो सब्सिडी के ऊपर कैप लगा दिया गया, इसके अलावा उसको एलिमिनेट करने की बात की गई 3 साल में, और क्रॉस सब्सिडी होगा, मतलब ये कि जो लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि गरीब है, ठीक है, छोटे लोग हैं उनको यहाँ पे सब्सिडी दी जाएगी, ना कि जो लोग यहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं फिर उस तरह के जो लोग हैं उनको यहाँ पे सब्सिडी दी जाएगी। तो ये थोड़ा एक
चेंजेस किया गया यहाँ पे। इसके अलावा कंसर्न यहाँ पे ये है कि जो ट्रांसफर्स है स्टेट से वो फोर्थ कमिंग नहीं है। यहाँ पे देखिएगा हम लोग यहाँ पे ये बोलेंगे कि अभी से बोला जाए तो यहाँ पे एक क्वालिटी बहुत खराब है। यहाँ पे देखिएगा अभी जो कंसर्न मैसेज की है कि क्वालिटी बहुत खराब है और आप लोगों के पास एग्जिट ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे मतलब आप लोग को बेसिकली यहाँ पे कहीं और आप छोड़ के यहाँ पे इसको जा नहीं सकते हो, तो वो एक अच्छा आप लोग यहाँ पे अमेंडमेंट सर देखिएगा कि आप लोग उस कंपनी अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप उस कंपनी को छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। ये जो शिफ्ट है वो हाईली डिस्ट्रप्टिव होने वाला है, तो यहाँ पे देखिएगा कि बहुत ज्यादा यहाँ पे डिस्टर्बेंस होगा अगर शिफ्ट आएगा तो। ऑफकोर्स शिफ्ट आने के बाद बहुत डिस्टर्बेंस जो चीज है वो हो जाती है, और यहाँ पे अगर ऐसा होता है कि जो प्रॉफिट मेकिंग साइड है अगर वो भाग जाए, ठीक है, प्रॉफिट लेकर के वो कुछ और तरह का यहाँ पे जो हेल्प है गवर्नमेंट को ना प्रोवाइड करे, तो ये काफी दिक्कत होगा, बहुत डिवास्टेटिंग होगा यहाँ पे हम लोग को, बहुत मतलब गवर्नमेंट जो बेसिकली है उसको बहुत नुकसान होगा कि बेसिकली एक प्राइवेट कंपनी आ रही है वो ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे ले रही है फिर वो भाग जा रही है, गवर्नमेंट को उसका कुछ हिस्सा नहीं दे रही है, तो उस तरह का जो चीज है वहां पे होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्रॉस सब्सिडी जो यहाँ पे जो अबोल्यूशन है, ठीक है, इसके वजह से क्या होगा कि बहुत ज्यादा कंज्यूमर्स अब ओपन हो जाएंगे, बहुत सारे कंज्यूमर्स जिसको सब्सिडी मिल रहा था तो वो लोग यहाँ पे बैठे हुए थे कि नहीं गवर्नमेंट से लेंगे कुछ कम पैसा देंगे, गवर्नमेंट गवर्नमेंट से लेंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि सब्सिडी हट जाएगी तो वो लोग अभी अब ठीक है भाई सब अब गवर्नमेंट से तो लेना नहीं है तो क्यों ना जो प्राइवेट स्टेक होल्डर था उनके पास चले, तो उस तरह का चीज यहाँ पे हो जाएगा कि बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे बन जाएंगे अगर सब्सिडी यहाँ पे हट जाती है तो, ठीक है। कुछ ऐसे पॉजिटिव प्रोविजन यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि क्या क्या मतलब एक बेसिकली क्या क्या अच्छा चीज होना है। यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने मिलेगी स्टेट और सेंटर की, सॉरी स्टेट और सेंटर की। यहाँ तो बेसिकली यही है कि जो लोग हैं यहाँ पे वो क्या होगा, सॉरी जो गवर्नमेंट है तो स्टेट और सेंटर की यहाँ पे साथ में मिलकर उनको काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सेंटर को भी मिल चुकी है और वो लोग अब टैक्स रेवेन्यू चेक कर पाएंगे इलेक्ट्रिसिटी का कि कहाँ कहाँ पे कितना कितना टैक्स रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो सेंटर जो है वो एक नया किंग पिन बन सकता है, क्योंकि सेंटर काफी ताकत रहती है, सेंटर किंग पिन बन सकता है कि जो कि वेल्दी एरियाज है, ठीक है, जहां की प्राइवेट स्टेक होल्डर्स यहां पे बेसिकली जो उम्मीद है कि प्राइवेट स्टेक होल्डर जो यहां पे बिजली प्रोवाइड करवाएंगे तो वो लोग से यहाँ पे कुछ अमाउंट किसी तरह रेवेन्यू जनरेट करके वो पब्लिक सेक्टर जो कि गरीब है वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर सके, तो ये काफी एक अच्छा चीज यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। ये जो है एक तरह का ये जो नया स्ट्रेटजी आया है वो एक तरह का रिजल्ट है, ठीक है, कि अगर ये सही तरीके से काम किया तो काफी अच्छा होगा भारत के लिए, ठीक है। तो एक तरह का एक्सपेरिमेंटल बोल सकते हैं इस तरह का एक स्ट्रेटजी है, लेकिन अगर इसको थ्योरिटिकल देखा जाए कि ये काम करेगा कि नहीं तो बेसिकली बहुत लोग ये बोलेंगे जो कि अभी थिंकर्स होंगे तो उनको लग रहा होगा कि नहीं ये गलत स्ट्रेटजी है, ठीक है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल अगर ये काम करिए तो काफी अच्छा होने वाला है। वैसे भारत में ज्यादा एक्सपेरिमेंट चलता नहीं है लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है इसको अल्लाह करके, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बोला है कि जो प्राइमरी जनरेशन है उसका यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे बेसिकली देखिए कि बहुत सारी जेनरेटिंग कंपनीज जो है वो रिसेंटली न्यूज में थी, क्योंकि वहाँ पे उनका पावर का जो डिमांड है वो काफी कम हो गया था, उनका स्टैंडर्ड और उनका जो एसेट्स है वो काफी स्टैंडर्ड हो गया था, तो वो उनके बारे में बात की गई है। यहाँ पे अमेंडमेंट जो है वो कोशिश करिए कि यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उसके ऊपर यहाँ पे भार दिया जाए, जो जेनरेटिंग कंपनीज होता है उनका यहाँ पे मैंडेशन ये किया जाएगा कि जो पावर परचेस एग्रीमेंट है उसको पहले करा लिया जाए कि इतना जो पावर है आपको खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है, ताकि 24/7 जो पावर सप्लाई है वो हमेशा मिलते रहे। तो वो पावर परचेस जो एग्रीमेंट है कि जो जनरेटिंग कंपनीज है उनसे पहले यहाँ पे खरीद लिया जाएगा बिजली की, हाँ ये जो एग्रीमेंट हम साइन कर लेंगे उसके बाद आप खरीदिए, उसके बाद आप उस बिजली का जो करना है आप कीजिए, लेकिन यहाँ पे पावर जो परचेज होगी। लेकिन इससे एक बड़ा दिक्कत ये है कि अगर पहले ही पावर परचेज हो जाएगी तो उसके बाद देखने को मिलेगा आपको कि यहाँ पे जो लोग का अगर वो पावर यूज नहीं होती है फिर भी क्या होगा कि लोगों का जो बिजली का जो बिल है वो उतना ही रहेगा, तो काफी यहाँ पे वो भी जो है वो दिक्कत होगी, पावर यूज नहीं हो रहा लेकिन यहाँ पे बिजली का जो बिल है वो भी कम नहीं हो रहा, तो उस तरह का यहाँ पे चीज देखने को मिलेगा। पहले कुछ साल में ये जो मैंने आपको दिक्कत बताया वो पहले कुछ साल रहेगी, उसके बाद तो लोगों को आइडिया हो जाएगा कितना बिल लेना है कितना बिजली नहीं लेना है, तो वो एक तरह का चीज यहाँ पे चलेगा, ठीक है। कुछ नेगेटिव प्रोविजन भी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सेंटर जो है बहुत ज्यादा पावर यहाँ पे अपने हाथ में ले लिया, ठीक है। यहाँ पे ये है कि पहले जो बिजली जो था बेसिकली उसका जो रेवेन्यू जनरेट होता था उसको जो पॉलिटिकल पार्टीज अपना जो प्रमोशन या फिर उस सब चीज में यूज करती थी, ठीक है, तो वो सब चीज अब नहीं हो पाएगा, यहाँ पे सेंटर के पास बेसिकली यहाँ पे सारा डेटा रहेगा तो वो चीज नहीं आएगा। इसके अलावा क्या होगा कि अभी तो देखिए सिचुएशन काफी बढ़िया है क्योंकि सेंटर में एक ऐसी पार्टी है जो कि होलसेल पार्टी है, ठीक है, उनको किसी और पार्टी की जरूरत नहीं है। लेकिन कल का दिन अगर इलेक्शन होता है सेंटर में क्या होता है कि कोई कोलिशन गवर्नमेंट आ जाती है जो कि दो सरकार मिलकर बनती है, तो उसमें क्या होगा कि ज्यादा पावर किसके पास रहेगा, सेंटर के पास, ठीक है, तो कोलिशन सरकार के पास ज्यादा पावर रहेगा और स्टेट जो कि ज्यादा पावरफुल वहां पे सरकार रहेगी, मान के चलते हैं तमिलनाडु का एक केस ले लेते हैं, वहां पे मान के चलते हैं कि जो सरकार है वो ज्यादा पावरफुल है, लेकिन यहाँ पे अब जो सेंटर में जो सरकार है वो वीक है, वो कोलिशन में चल रही है, तो वो ज्यादा पावरफुल होते हुए उनको पता है कि क्या जरूरत है, उसको वो मालूम होते हुए वो क्या करेगी कि वो अच्छे यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे नहीं ला पाएगी क्योंकि सेंटर के पास में ज्यादा यहाँ पे पावर रहेगी, ठीक है।
तो इसके अलावा यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये चीज रहेगा। हाँ ये बात जरूर है कि जो स्टेट का परफॉर्मेंस है वो काफी खराब रहा है, अभी जो करंट सिचुएशन रहेगा स्टेट का परफॉर्मेंस काफी खराब रहा है, जनरेशन ले लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन ले लीजिए, सब कुछ में खराब से यहाँ पे परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन हाँ ये गलत बात है कि आप स्टेट अगर खराब परफॉर्म कर रहे तो लोग स्टेट से पावर लेकर के सेंटर खुद काम करें। कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम लोग स्टेट की जो गलती हो रही है उसको हम सुधारने की कोशिश करें और स्टेट्स को बताएं कि क्या गलत है और उसके बाद उन लोग का हेल्प करें ताकि वो लोग अच्छे अच्छे यहाँ पे जो काम है वो कर सके। ठीक है, खुद का हाथ में यहाँ पे पावर लेना उतना सही बात नहीं है। अब चैलेंज यहाँ पे ये बढ़ के आ जा रहा है कि यहाँ पे बेसिकली नीड तो हम लोग सब्सिडाइज करना पुअर को, ठीक है, और डीबीटी के द्वारा इसको किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे किसी जो पुअर है उसको सीधे सीधे पहचान करके उसको हम लोग बेनिफिट देने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे दिक्कत ये होगा कि फिर पहचानेंगे कैसे कि कौन गरीब है कौन अमीर है। यहाँ तो दिक्कत ये हो जाता है ना, बीपीएल के तो बहुत लोग कार्ड बनाए हुए हैं लेकिन सब बीपीएल के अंदर तो आते नहीं है, तो उस तरह का यहाँ पे बात हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये बोला जा रहा है कि ये चेंजेस है यहाँ पे बोलेगा कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर से अब टैक्स पेयर की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करेगा कि जो ज्यादा टैक्स पे करेगा वो उसका उसके पास ऑफकोर्स ज्यादा मनी रहेगा तो ऑफकोर्स वो ज्यादा यहाँ पे बिजली अच्छा जो मतलब जो गेन है वो कर सकेगा। तो इस तरह का चीज है यहाँ पे। और यहाँ पे लो डिमांड जो है वो अभी भी एक इशू है। ठीक है, अभी जो जितना पावर जनरेट हो रहा है उसका उतना डिमांड नहीं है तो वो बहुत बड़ा एक इशू बन के आ रहा है। ठीक है, ये कुछ कुछ यहाँ पे दिक्कत बोला जा रहा है। कंक्लूजन यही है कि अभी देखिए जो स्टेटस का काम है वो अनसेटिस्फैक्टरी है। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे बात है कि हम लोग स्टेट को थोड़ा पावर यहाँ पे कुछ जो पावर है वो स्टेट का हाथ में होना चाहिए, स्टेट को सिखाना चाहिए किस तरह से अच्छे तरीके से काम करना है। ठीक है, इसके अलावा जो अमेंडमेंट है वो कुछ अनक्लियर है, ठीक तरह से कुछ यहाँ पे डिटेल्स नहीं दिया हुआ कि क्या कैसे कैसे होने वाला है, तो एक बहुत बड़ा बात है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अभी जो है ये जरूरी है, यहाँ पे बोला गया देखिए डिस्क्रिप्टिव चेंज इन इंडियन इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, डिस्क्रिप्टिव चेंज इन इंडियन इलेक्ट्रिसिटी मे बी नीडेड इवन इनएविटेबल। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अभी जो चेंजेस है वो जरूरी है। ठीक है, और कुछ चेंजेस हो यहाँ पे कुछ दिक्कत हो लेकिन ये चेंजेस जो वो आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अमेंडमेंट्स कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रप्शन से नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो दिक्कत हो रहा है, देखिए जब भी कुछ अमेंडमेंट आता है तो उससे कुछ चेंजेस होता है, वो जो चेंजेस होगा उसके से जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पे लोग का भी हाव भाव चेंज होगा, लोग भी सोचेंगे नहीं क्या करना चाहिए, क्या गलत होगा, क्या सही होगा, उसमें क्या होगा कि सरकार को कुछ ना कुछ लॉस झेलने को मिलेगा। जिस तरह से चीजें अच्छी तरीके से चल रही थी वो चेंज होगी तो ऑफकोर्स लॉस झेलने को मिलेगा, तो वो लॉस नहीं यहाँ पे देखने को मिले, बस यही उम्मीद है यहाँ पे सब लोग जो है लगा के यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, कनेक्टेड डॉट्स में आज का क्वेश्चन है कि ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 proposes a slew of measures to bring transparency in power generation market discusses. तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक जो भूचाल बेसिकली बोल सकते हैं आने वाला है यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को लेकर के, मतलब एक बोलते हैं ना कि पारदर्शिता को लेकर के यहाँ पे हर कुछ जो सामने आ जाएगा पावर जनरेशन मार्केट में, तो उसको आपको डिस्कस करने बोल रहा है। आप लोग यहाँ पे इसको आंसर जो देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद एनवायरमेंट इकोलॉजी में हम लोग देखेंगे क्या क्या दिया हुआ। तो अनदर वार्निंग और वार्मिंग, ठीक है, तो ये काफी अच्छा यहाँ पे टाइटल है वार्निंग और वार्मिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये जो पूरा टॉपिक है वो इस बात पे घूमता है कि किस तरह से यहाँ पे देखिए जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, हम लोग कल पूरा चीज यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं और ये सेम चीज था जो कल डिस्कस हुआ था, अभी जो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो थोड़ा स्किप करेंगे ये सब चीज को, बीच बीच से डिस्कस करेंगे क्या क्या यहाँ पे नया नया हम लोग को जानने को मिलेगा। तो देखिए कल हम लोग ये डिस्कस किए किस तरह से जो पहले हम लोग जब कॉप हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी पैरिस एग्रीमेंट में, तो हमें बात हुआ था कि हम लोग को 2 डिग्री तक मेंटेन करना है, लेकिन एक नया रिपोर्ट आया वो ये कहता है कि हम लोग को 1.5 डिग्री तक मेंटेन करना है। फिर जो अमेंडमेंट आया जो कॉप है पैरिस एग्रीमेंट में उसमें अमेंडमेंट आया, वहाँ पे बोला कि हम लोग 1.5 डिग्री तक हमें मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक हम लोग उस पर कोई भी काम यहाँ पे स्टार्ट नहीं किया। यहाँ पे जो फाइनेंशियल फंडिंग होता है उसको काफी को यहाँ पे देखने को मिला कि हम लोग यहाँ पे पैसा जो है वो नहीं मिल पा रहा था, तो वो दिक्कत था। अब यहाँ पे थोड़ा बात करेंगे किस तरह से 1.5 डिग्री और 2 डिग्री अलग है। ठीक है, यहाँ पे बहुत लोग को लग रहा होगा, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मुझे तो नहीं लगा था लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत लोगों को लग रहा होगा कि 1.5 डिग्री और 2 डिग्री में क्या अंतर है, यहाँ पे कौन सा बहुत बड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, रोज रोज कितना टेम्परेचर अप डाउन होता है, 5-5 डिग्री 6-6 डिग्री यहाँ पे अप डाउन हो जाता है, तो यहाँ पे 1.5 डिग्री और 2 डिग्री क्या है। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि ये एवरेज लेके चला जा रहा है, मतलब पूरा वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है वो इतना बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर चेंज अलग होता है कि आज थोड़ा बढ़ गया फिर कल कम हो गया, बढ़ गया कल कम, मतलब कम हो गया। ठीक है, तो देखिए बेसिकली एक एवरेज होता है, बढ़ रहा कम रहा, बढ़ रहा कम रहा, बढ़ रहा कम रहा, उसका बीच में एक लाइन होती है। ठीक है, वो होता है एवरेज लाइन, कि हाँ उससे चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि उस एवरेज लाइन को 2 डिग्री या फिर 1.5 डिग्री यहाँ पे ऊपर शिफ्ट करने की बात की जा रही है, और 1.5 डिग्री से यहाँ पे बोला जा रहा है कि 40 सेंटीमीटर यहाँ पे जो होगा जो ओशन है उसका पानी बढ़ जाएगा। अब एक बार हम लोग ऐसे ही अजम्पशन के लिए मान के चलते हैं कि आप किसी बीच में खड़े हो। ठीक है, ऐसा बीच नहीं, देखिए क्लिफ का बात मैं नहीं कर रहा कि आप लोग एक पहाड़ की मतलब एक मिट्टी का छोटी
खड़े हो वहाँ पे नीचे पानी है, उस तरह का बात नहीं कर रहा, एक बीच में ठीक है जिसमें बालू होता है उस तरह का बीच में आप खड़े हो ठीक है, थोड़ा दूर में आप नदी से समुद्र से हो। अब आप देखिए अब समुद्र के तट से कितना ऊपर हो ठीक है, मैक्सिमम आप लोग 4-5 सेंटीमीटर ऊपर होंगे ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होता है। हाँ काफी दूर होते हैं आप लोग लेकिन ऊपर नहीं होते उतना ठीक है, हाइट उतना नहीं होता आप लोग का समुद्र के तट से। मान के चलिए कि 40 सेंटीमीटर पानी बढ़ता है पूरे विश्व का, तो कितना ज्यादा यहाँ पे लोग जो कि समुद्र तट पे निवास करते हैं कितना यहाँ पे नुकसान यहाँ पे देखने को मिलेगा ठीक है। 40 सेंटीमीटर तो उस कंडीशन में जब यहाँ पे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा, 50 सेंटीमीटर यहाँ पे बढ़ जाएगा अगर यहाँ पे हम लोग 2 डिग्री सेंटीग्रेड से चलते हैं, मतलब 2100 तक, ये ईयर का बात की गई है ठीक है, तो 2100 तक यहाँ पे हम लोग को इतना यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे 2100 के बाद यहाँ पे और ज्यादा यहाँ पे ड्रास्टिक यहाँ पे राइज देखने को मिलेगा, ऑफकोर्स यहाँ पे 100 सेंटीमीटर से भी ऊपर यहाँ पे जा सकता है ठीक है। इसके लिए यहाँ पे देखिएगा कि इस तरह का अगर पानी बढ़ता है तो ऑफकोर्स यहाँ पे हम लोग को हेल्थ, फ्रेश वाटर, ह्यूमन सिक्योरिटी, लाइवलीहुड, इकोनॉमिक ग्रोथ, हर किसी में यहाँ पे दिक्कत देखने को मिलेगा ठीक है। एक्सपेक्टेड ये है कि अगर इसी तरह से यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ते रहा तो जो भारत का GDP है वो 2025 तक 3% गिर जाएगा, इस तरह का यहाँ पे मान के चलना है ठीक है। ऐसा यहाँ पे बहुत सारे जो थिंकर्स है वो कहते हैं ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखिए इस तरह का अगर सिचुएशन जो टेम्परेचर वो बढ़ता है तो कौन यहाँ पे अफेक्टेड होगा, वो लोग जो कि गरीब है ठीक है, जो कि रस्ते के बगल में रहते हैं, फिर वो कंट्रीज जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, जहाँ की लोग जो है वहाँ पे वर्किंग कैपिटल है ठीक है। देखिए दो तरह का कैपिटल मार्केट होता है, एक तो वर्किंग कैपिटल होता है, एक होता है जो नॉर्मल जो मनी कैपिटल होता है ठीक है वो होता है। वर्किंग में क्या होता है कि यहाँ पे लोग जो है वो आकर के काम करते हैं, मनी में क्या होता है कि मनी से क्या किया जाता है, मशीन खरीदी जाती है फिर मशीन काम करती है। तो सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज जो है वो क्या होता है, वो कैपिटल मार्केट है, वहाँ पे क्या होता है कि जो पैसा है वो काम करता है। लेकिन इंडिया जैसा मार्केट यहाँ पे क्या होता है, वर्किंग मार्केट होता है, यहाँ पे लोग जो है पीपल मार्केट, यहाँ पे लोग जो है वो आकर के यहाँ पे काम करते हैं। तो इस तरह का कंट्रीज में क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा लोग जो है वो सनलाइट या फिर सी कोस्ट ये सब की तरफ ज्यादा जाते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होता है, अगर इस तरह का जो ग्लोबल वार्मिंग वो बढ़ेगा तो काफी यहाँ पे इस तरह का यहाँ पे दिक्कत देखने को मिलेगा। और ये कहाँ कहाँ पे होगा देखिए, यहाँ पे बता दिया गया सिंपल वो शब्दों में लिखा गया कि ये एशिया और अफ्रीका में देखने को बहुत ज्यादा मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पे गरीबी की रेखा भी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जो लोग हैं वो काफी यहाँ पे एक्सपोज रहते हैं सनलाइट और फिर सी ओशंस ये सब को लेकर के, तो ये सब यहाँ पे देखने को ज्यादा मिलेगा ठीक है। इसके अलावा बोला जा रहा है कि अभी देखिएगा कुछ सालों में आप लोगों को अगर पता होगा तो किस तरह से यहाँ पे हरिकेन्स, टाइफून्स बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ गए ठीक है। तो वो जो है बहुत बड़ा दिक्कत हुई कि यहाँ पे जो हरिकेन्स और टाइफून्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, और इस वजह से क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे मर रहे हैं। लेकिन इतना ज्यादा बढ़ क्योंकि उसके अगर ऊपर बात करें तो यही दिक्कत है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ते जा रहा है ठीक है। हल्का हल्का शिफ्ट है, बहुत बड़ा बड़ा यहाँ पे जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो लेके आता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज था, यहाँ पे आई सपोज कि मैंने उसके ऊपर यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगा कि जो एसिडिफिकेशन है ओशन का वो कम होगा। अगर 2 डिग्री में बहुत ज्यादा होता है तो 1.5 डिग्री में क्या होगा, कम होगा। ऐसे में क्या होगा कि जो पानी के अंदर जो जीव है वो भी बचे रहेंगे, क्योंकि अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक चल जाएगा यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ के तो यहाँ पे काफी दिक्कत होने वाला है, पानी के अंदर जो जीव है वो भी मरेंगे। और ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड में अभी के मुताबिक बोल रहा हूँ, अभी 1 डिग्री हम लोग ऐसे बढ़ा चुके हैं, तो और 0.5 या फिर और 1 उसके बारे में बात कर रहा हूँ ठीक है। पूरा स्टार्टिंग से नहीं बोलूँ क्योंकि अभी तक हम लोग को यहाँ पे इतना मिल चुका है ठीक है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है बाय द वे, क्योंकि काफी मैंने सब में घुस घुस के कोशिश किया डिस्कस करने का, तो उस वजह से यहाँ पे कुछ खास होता है नहीं, क्योंकि सब बाद में जब पता चलेगा ये चैलेंज दैट, और जो कंक्लूजन है वो कल ही का है। हम लोग बेसिकली यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि पेरिस एग्रीमेंट में जो बात की गई है उस पे हम लोग को ध्यान देना है, उसी पे काम करना है। ये जो क्वेश्चन है उस पे आप लोग देखिएगा, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कि डिस्प्यूट्स ओवर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट डिपिक्ट द डीप डिवाइड्स अमंग द कंट्रीज, बट द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी टू टेक एक्शन इज वेरी स्मॉल एंड क्लोजिंग पास्ट कमेंट इन द लाइट ऑफ IPCC रिपोर्ट ऑन कीपिंग द वार्मिंग अंडर टू 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम लोग को ये जो पेरिस एग्रीमेंट में देखिएगा कंट्रीज आपस में लड़ रही है ठीक है, कंट्रीज ये सोच नहीं रही है कि कल का दिन वही कंट्री को नुकसान होने वाला है। तो वो जो कंट्रीज लड़ रही है उसको लड़ने के साथ ही साथ क्या हो रहा है कि जो खिड़की है जिसके अंदर हम लोग का एक्शन लेना है वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, मतलब समय हम लोग के पास कम होता जा रहा है। तो उतना कम समय हम लोग जहाँ पे कंट्रीज के साथ में मिलकर के काम करना चाहिए उस बात को यहाँ पे डिस्कस करने की यहाँ पे कोशिश की गई है। तो इसी के साथ आज का क्वेश्चन खत्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पे आज जब हम लोग टेस्ट नॉलेज भी डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन आज का ये है कि नेम्स लाइक विंग लुंग टू सी गार्जियन हीरो नॉन इज न्यूज, ये किससे एसोसिएटेड है, ऑफकोर्स ये ड्रोन से एसोसिएटेड है सबसे पहला जो हम लोग बात किए हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे जो तपी पाइपलाइन है वो किस कंट्री से जाती है, तो दोस्तों इसको याद रहेगा सबसे आसान तरीका, जो तपी वो कंट्रीज की पहली नाम है, टी से तजिकिस्तान, ए से अफगानिस्तान और पी से पाकिस्तान, आई से जो ईरान है वो ऑप्शन गलत है क्योंकि आई से इंडिया होगा यहाँ पे, मतलब तभी पाइपलाइन जो लास्टली इंडिया में आकर के खुलती है ठीक है, तजिकिस्तान से स्टार्ट होती है इंडिया में खुलती है। इसका जो ऑप्शन है वो 1, 2, 3 ही सही होगा, चौथा जो है वो गलत है, ईरान गलत है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया कि क्या क्या स्टेटमेंट जो पोषण अभियान से रिलेटेड सही है,
तो दोस्तों यहाँ पे तीनों जो स्टेटमेंट है तीनों ही सही है बेसिकली। यहाँ पे ये बोला गया कि ये इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम है और ये लोग जो न्यूट्रिशनल आउटकम चिल्ड्रन का उसके ऊपर काम करता है, एडोलसेंट इसको, इसके अलावा प्रेगनेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स के ऊपर काम करता है। इसके अलावा दूसरा नंबर ये कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट है, वो नोडल यहाँ पे मिनिस्ट्री है। इसके अलावा बात ये है कि जो पोषण अभियान है उसके अंदर सितंबर जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय पोषण माह या फिर नेशनल न्यूट्रिशन मिशन को, तो ये तीनों चीज आज दिया हुआ था हम लोग का जो आर्टिकल है उसमें। इसके अलावा क्वेश्चन आप पूछ रही है कि कौन कौन से बेनिफिशियरीज जो कि एनएनएम के यहाँ पे बेनिफिशियरीज जिनको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाले, तो ये तीनों ही आप लोग को याद ही भी होगा यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि चिल्ड्रन जो कि 2 से 6 साल तक बीच में आते हैं। इसके अलावा एडोलेसेंट गर्ल्स और प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर जो है वो यहाँ पे बेनिफिशियरीज है। तो इसके साथ आज की वीडियो वो जो खत्म। और दोस्तों मैं सोच रहा था कि जो मैंने करंट एक और यहाँ पे आता है आईएस बाबा का जिसमें कि ये रहता है एमसीक्यू रहता है बेसिकली, वहाँ पे क्वेश्चंस रहते हैं तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। मैंने उसको बंद कर दिया था, मैं उसको स्टार्ट किया था लेकिन क्योंकि उसमें ज्यादा व्यूज नहीं आ रहा था, लोग यहाँ पे जुड़ नहीं रहे थे, यहाँ पे रिप्लाईज नहीं आ रहे थे, तो इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अब उसको वापस से शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो हो चुका, वो खत्म हो चुका है और जल्दी ही मैं व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक का ग्रुप बना दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग आईएस बाबा का पीडीएफ डाउनलोड कर सको आसानी से। इसके अलावा कोई और अगर इंपॉर्टेंट न्यूज आए जल्दी तो मैं उसको वहाँ पे शेयर कर सकूँ, आप लोगों के साथ जुड़ सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा, तो ज़रूर ही ज़रूर आप लोगों को वो मिल जाएगा कुछ दिन में। तो इसी के साथ दोस्तों थैंक यू, हैव अ नाइस डे।